सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की गिरफ्तारियों पर एक बड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट की ये टिप्पणी ईडी द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में की जाने वाली गिरफ्तारियों से जुड़ी हुई है। कोर्ट का कहना है कि विशेष अदालत द्वारा शिकायत संज्ञान में लेने के बाद ईडी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी कि पीएमएलए के सेक्शन 19 के तहत आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकती है। साथ ही कोर्ट ने ईडी को इससे जुड़े और भी निर्देश दिए हैं। वो निर्देश क्या है, इस वीडियो में समझते हैं। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक याचिकाकर्ता ने दिसंबर 2023 में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में एक आदेश को चुनौती दी थी। याचिकाकर्ता का सवाल था कि अगर विशेष अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में व्यक्ति विशेष के आरोपों को संज्ञान में ले लिया है तो क्या उसके बाद भी उसे बेल के लिए कड़े दोहरे परीक्षण से गुजरना पड़ेगा। 16 मई को जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्जल भुयान की बेंच इस मामले में सुनवाई कर रही थी। सुनवाई के दौरान बेंच ने कहा, अगर आरोपी समन के बाद कोर्ट में पेश हो रहा है तो उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया जा सकता जैसा वो हिरासत में है। उन्होंने आगे कहा कि जो भी आरोपी समन जारी होने के बाद कोर्ट में पेश हो रहे हैं उन्हें बेल के लिए अप्लाई करने और पीएमएलए की धारा 45 के तहत कड़े दोहरे परीक्षण से गुजरने की जरूरत है। बता दें कि पीएमएलए के सेक्शन 45 के तहत जमानत के लिए दोहरी शर्त का प्रावधान है। इसके चलते आरोपी को जमानत मिलना मुश्किल हो जाता है। एनआईए की रिपोर्ट के मुताबिक बेंच ने कहा कि अगर ईडी आरोपी को हिरासत में लेना चाहती है तो उसे इसके लिए संबंधित अदालत में एप्लीकेशन देनी होगी, जिसके बाद अदालत एजेंसी द्वारा बताए गए कारणों से संतुष्ट होने के बाद ही आरोपी को हिरासत में लेने की अनुमति देगी, भले ही आरोपी को धारा 19 के तहत कभी गिरफ्तार नहीं किया गया हो। कुछ अन्य मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीएमएलए को अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के दौरान बनाया गया था, लेकिन मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के दौरान 1 जुलाई 2005 को इसे लागू किया गया था। उस वक्त एक्ट को ब्लैक मनी के फ्लो को रोकने के उद्देश्य से बनाया गया था। आपको बता दें कि पीएमएलए कानून के तहत सबसे पहले कार्रवाई का शिकार झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा बने थे, जिसके बाद साल 2010 में 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कोयला घोटाला समेत कई बड़े घोटालों में इस कानून के तहत कार्रवाई की गई। उसके बाद साल 2012 में तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने इसमें संशोधन भी किया था। बीते कुछ सालों में इस एक्ट में और भी कई सारे बदलाव किए गए हैं। ईडी की गिरफ्तारियों पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके बताइए। आपके लिए सारी जानकारी जुटाई थी हमारे साथी आर्यन ने। मेरा नाम है विभावरी। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया। शुरू हो गया है YouTube पर ललन टॉप का नया मेंबरशिप प्रोग्राम LT प्रीमियम। क्या होगा इसमें? LT प्रीमियम मेंबर्स किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले देख सकते हैं गेस्ट इन द न्यूज रूम और किताब वाला जैसे कई शोज। ललन टॉप के हम सब एंकर्स हर हफ्ते आपसे करेंगे लाइव चैट, देंगे आपके सवालों के जवाब। ललन टॉप के न्यूज रूम में क्या होता है, अर्ली एक्सेस ब्लॉग में दिखेगी न्यूज रूम की रोचक जानकारी और उठापटक। ये मेंबरशिप लेने के बाद सिने सन्यासी समेत कई नए नवेले पॉडकास्ट भी आप सबसे पहले सुन पाएंगे। जो हमारे नए शोज प्रस्तावित हैं उस पर भी आपकी राय ली जाएगी, खास तौर पर क्योंकि आप हैं हमारे प्रीमियम व्यूअर। इसके अलावा मजेदार स्टिकर्स के साथ चैट कमेंट करके आप नजर आएंगे सबसे अलग। इन स्टिकर्स का इस्तेमाल आप यूट्यूब के चैट और कमेंट सेक्शन में कर पाएंगे। इस मजे के लिए क्या करना होगा, इस जुड़ाव के लिए क्या करना होगा, जाना होगा ललन टॉप के यूट्यूब चैनल पर और ज्वाइन बटन को प्रेस करना होगा। फिर सिर्फ 59 रुपए महीने में मिलेगा ललन टॉप आनंद। एप्पल यूजर नीचे दिए लिंक पर क्लिक कर LT प्रीमियम सब्सक्राइब करें।